राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी, दिया जी आज जेपी नड्डा जी का राजस्थान दौरा है, साथ ही कार्यकारिणी की भी कई अहम बैठकें हैं जी, आप इसमें पहुंचे हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, क्या कुछ सच्चाई है? नहीं, बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है और बहुत गर्व की बात है कि आज अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा जी पहली बार राजस्थान पधार रहे हैं और आज उनका मार्गदर्शन मिलेगा सभी कार्यकर्ताओं को जी। लेकिन भाजपा में एक गुट वाली जो बात उठ रही है, हाल ही में 20 विधायकों का एक लेटर बम जारी हुआ था, उसके बाद दो गुट के लिए आपका कुछ स्टेटमेंट है? नहीं, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसे ही लोगों को कुछ कहने को है नहीं ऑपोजिशन को, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे बीच में कोई गुटबाजी। कल विधानसभा के अंदर भी सीपी जोशी, आप राजसमंद से इस टाइम सांसद हैं, सीपी जोशी ने देवनानी के लिए जो शब्द कहे थे या फिर उसे अपमानित शब्द उसे शांति धारीवाल ने कहा था, उसके लिए? नहीं बिल्कुल, देखिए मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं थी तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन बिल्कुल हमारे देवनानी जी बहुत सीनियर हमारे नेता हैं और वो समझदार हैं, वो समझते हैं पूरा क्या प्रक्रिया होती है विधानसभा की, और जो भी कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, और थोड़ा मुझे लग रहा है कि जो माफ़ी मांगने की बात चल रही है उस पर वो सही, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ठीक रहेगा और मुझे नहीं लगता कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए जी। तो जेपी नड्डा पहली बार जयपुर पहुंच चुके हैं, जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और यह जी गुलाबचंद कटारिया आप यहाँ पहुंच चुके हैं, गुलाबचंद कटारिया से मेरे सीनियर पत्रकार सागर बात करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं जेपी नड्डा जी को लेकर? अभी अब कार्य समिति हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज उसमें उपस्थित रहेंगे, मैं सोचता हूँ कि देश की जो राजनीतिक स्थिति है उस पर भी उनका उद्बोधन होगा और पार्टी को कैसे सशक्त करें, पार्टी का कार्यकर्ता कैसे काम करे, इसके बारे में उद्बोधन होगा और दूसरा इस सरकार की जो कमियां हैं उसको भी सब कार्यकर्ताओं के बीच में लाएंगे ताकि नीचे पोलिंग बूथ तक वो पहुँचे। उपचुनाव को लेकर कोई बातचीत रणनीति बन सकती है? मैं सोचता हूँ उपचुनाव इस बड़ी बैठक में तो नहीं होगी, अगर बाद में कुछ लोग बैठेंगे तो उसमें चर्चा होगी। भाजपा के अंदर भी मनमुटाव की खबरें आ रही थी, क्या उस पर भी बात हो सकती है? कुछ है नहीं है, केवल कुछ लोग बनावटी इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं पर वो असफल होंगे क्योंकि बीजेपी में बिखराव हो ही नहीं सकता, जितने बिखराव किया वो सब भुगत चुके हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कल जो विधानसभा के अंदर मंजर चला था देवनानी जी को माफ़ी मांगने के लिए सब बोले, इस पर कुछ कहेंगे? देखो मैं सोचता हूँ कि विधानसभा में ये छोटी मोटी बातें होती रहती है, आज दिन तक मेरे तो 40 साल के अनुभव में इस छोटी सी घटना पर किसी को भी सदन से बाहर किया हो और प्रस्ताव लेकर किया हो ये पहली घटना है जो दुखद है। चंद कटारिया रहे जिन्होंने पहली घटना और दुखद घटना इसे बताया है, वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ विवेक सिंह जाधव मरुधर बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।